भारतीय टीम की जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रही है, जहां पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसके बाद बल्लेबाजों के प्रदर्शन को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाने का कार्य भारतीय टीम के गेंदबाजों ने किया और दोनों ही विभागों की शानदार संतुलन के कारण भारतीय टीम ने श्रीलंका को पहले टेस्ट मुकाबले में हरा दिया। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं भारतीय टीम और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच की पूरी हाइलाइट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले भारत के किस खिलाड़ी से सबसे बेहतरीन प्रदर्शन की आपको उम्मीद थी और किसने किया है, अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच वाली के स्टेडियम में रोहित शर्मा ने नेतृत्व में खेला गया, जिसमें सबसे पहले रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम की तरफ से हनुमा विहारी के 58 रन, ऋषभ पंत के 96 रन और अश्विन के 61 रन की पारी के साथ रविंद्र जडेजा की खतरनाक 175 रन की नाबाद पारी की बदौलत भारतीय टीम ने 574 रन पर 8 विकेट के साथ अपनी पारी घोषित कर दी। और इसके बाद भारतीय टीम जब गेंदबाजी करने के लिए आई तो श्रीलंका को पहली पारी में 174 रन पर ऑल आउट कर दिया, जिसमें दूसरे 4 विकेट 108 रन पर गिर गए थे। इसके बाद तीसरे दिन का खेल जब प्रारंभ हुआ तो तीसरे दिन का पहला विकेट जसप्रीत बुमराह ने लिया, तो भारतीय टीम के वह खिलाड़ी बनकर उभरे हैं जो जिस भी वस्तु को हाथ लगा रहे हैं उससे बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले उन्होंने बल्ले से प्रदर्शन किया और फिर गेंद से उन्होंने धारदार गेंदबाजी करी। जब श्रीलंका की टीम 161 रन पर अपने 5 विकेट गंवा चुकी थी, उसके बाद रविंद्र जडेजा ने गेंदबाजी का जिम्मा उठाया और 164 रन पर 61 ओवर में अपना कमाल कर दिखाया और एक ही ओवर में चौथी गेंद पर डिक्वेला को 2 रन और फिर अंतिम गेंद पर सुरंगा लकमाल को 0 रन पर आउट कर दिया। और इसके बाद मोहम्मद शमी ने 64 ओवर में एम्बुल देनिया को आउट कर दिया, जिसके बाद भारतीय टीम सिर्फ 2 विकेट दूर थी और भारतीय टीम की तरफ से रविंद्र जडेजा ने 65 ओवर में गेंद दोबारा हाथ में ली और एक ही ओवर में दोनों खिलाड़ियों को आउट कर दिया। पहले इस ओवर में 5वीं गेंद पर फर्नांडो को 0 रन पर और फिर इससे तुरंत अगली गेंद पर कुमार को बिना खाता खोले आउट कर दिया और इसी के साथ रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट हासिल किए और इसी के साथ श्रीलंका की टीम 174 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसके बाद भारतीय टीम 400 रन की लीड पर है। और अब श्रीलंका की टीम को दोबारा से बल्लेबाजी के लिए बुलाया गया और फिर उन्होंने फॉलो ऑन दे दिया और इस पारी में भी भारतीय गेंदबाज शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिसमें पहला विकेट अश्विन ने लिया। अश्विन ने थरीमाने को 0 रन पर आउट कर दिया, तो वहीं लंच के बाद भारतीय टीम के गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने 7वें ओवर में नेशनका के हाथों एक शानदार चौका खाया और इसके बाद पलटवार करते हुए अश्विन ने उन्हें भी आउट कर दिया। और ये श्रीलंका की टीम का सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि निशंका पहली पारी में अर्धशतक लगाकर सेट हो चुके थे और दूसरी पारी में खतरनाक साबित हो सकते थे, लेकिन उन्होंने खतरनाक गेंदबाजी करी और उन्हें आउट कर दिया। और मोहम्मद शमी ने 16 ओवर में भारतीय टीम को तीसरी सफलता दिलाई और इसके बाद डिसिल्वा को 33 ओवर में रविंद्र जडेजा ने आउट कर दिया और इसके बाद आयद असलका ने 2 ओवर के अंदर 3 छक्के जड़ दिए, जिसमें रविंद्र जडेजा की 35 ओवरों में 2 छक्के लगे और 2 चौकों के साथ 20 रन बटोरे, जिससे भारतीय टीम के गेंदबाज दबाव में आ गए थे। लेकिन तीसरे दिन के अंतिम सत्र के शुरुआत में ही असलका को रविचंद्रन अश्विन ने 36 ओवर में 20 रन पर आउट कर दिया। इसके बाद अगले ही ओवर में गेंदबाजी कराने आए रविचंद्रन अश्विन ने एक ही ओवर में श्रीलंका के 2 बल्लेबाजों को आउट कर दिया और 51 ओवर में एम्बुल देनिया को रविंद्र जडेजा ने आउट कर दिया और 54वें ओवर में फर्नांडो को मोहम्मद शमी ने आउट कर दिया और 60 ओवर के अंत तक अश्विन ने श्रीलंका के अंतिम खिलाड़ी को आउट कर दिया और श्रीलंका की टीम को 178 रन पर भारतीय गेंदबाजों ने ढेर कर दिया, जिसमें भारतीय टीम की तरफ से रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने 4-4 विकेट लिए और मोहम्मद शमी ने 2 विकेट हासिल किए और मुकाबले को पारी और 222 रन से जीत लिया। दोस्तों भारत की तरफ से सबसे बेकार प्रदर्शन किस खिलाड़ी ने किया, अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।